आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के जवेरा क्षेत्र से सेल्फी के चक्कर में युवक की जान चली गई। यहां स्थित नजारा पॉइंट पर शनिवार सुबह जबलपुर से आया युवक सेल्फी ले रहा था। पैर फिसलने के कारण वह करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरा। साथियों ने उसे तलाशा, नहीं मिलने पर वापस जबलपुर लौटे और परिजनों को साथ लेकर आए। इसके बाद सिंगारामपुर चौकी पर सूचना दी गई। पुलिस ने वन अमले के साथ मिलकर करीब 7.5 घंटे में उसे खोजा। जबलपुर का रहने वाला स्नेह त्रिवेदी शनिवार सुबह करीब 7 बजे गोरखपुर स्थित नजारा पॉइंट आया था। साथ आए दोस्त हर्ष ने बताया कि वह तीन दोस्त बाइक से नजारा पॉइंट पहुंचे थे। स्नेह अलग अलग जगह खड़े होकर सेल्फी ले रहा था। जिस समय यह हादसा हुआ सभी दोस्त पानी लेने गए हुए थे। इधर उधर उसे काफी खोजा, वह नहीं मिला। इस दौरान नजारा पॉइंट से नीचे पहाड़ी के एक हिस्से में स्नेह की चप्पल दिखाई दी। जंगल में उतरकर खोजने का प्रयास किया गया लेकिन कई फीट की गहराई होने के कारण उसे खोज नहीं पाए। घबराहट में वापस जबलपुर गए और वहां परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दोबारा घटनास्थल पहुंचे। डीएफओ MS उइके ने बताया कि सुबह सूचना मिलते ही पुलिस वन विभाग के कर्मचारी स्नेह की तलाश में जुट गई। करीब 7 घंटे बाद शव को खोजने में सफलता मिली। पूछताछ में दोस्तों ने बताया कि सुबह 7 बजे ही नजारा पॉइंट पर पहुंच गए थे। उनके अनुसार यहां जाने की अनुमति 8 बजे से दी जाती है, लेकिन ये बच्चे चुपके से वहां पहुंच गए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्ष। कहां से हो? जबलपुर। हो क्या गया तुम्हारे साथ जी? सर यहां पर दोस्त आया था, सेल्फी ले रहा था, खड़े होकर हम लोग पानी की बॉटल। कितने बजे? सुबह को 7:30-7 बजे। हाँ, तो हम लोग पानी की बोतल लेने ऊपर गए, हम लोग यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और वो सीधे नीचे गिर गया। अच्छा। गोल ऐसे गोल घूम के सेल्फी ले रहा था, वही सेल्फी के चक्कर में गिर गया वो नीचे। फिर कहाँ गया? हम लोगों के साथ आया था सर। फिर हम लोग यहाँ से पहले यहाँ पर खड़े होकर बैठ के देखे कि दिख जाए कहाँ है कहाँ नहीं है। कितने बजे लगवा? सर 8 बज रहा होगा। क्या नाम तुम्हारा? हर्ष। पूरा नाम बताओ। हर्ष को कहाँ से? जबलपुर।